Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. सो वी आर डिस्कसिंग आर चैप्टर नंबर नाइन नेचुरल रिसोर्सिस वी टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स दे आर डिवाइडेड इंटू टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोज हमने देखा वो रिसोर्स होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे या तो फिर जल्दी से वो रिप्लेस होते हैं नेचुरली और नॉन रिनीबल रिसोर्स हमने देखा कि वो रिसोर्स हैं जो बहुत टाइमली ते हैं बनने में और अगर हम उनको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो वो जल्दी से एग्जॉस्ट uh, हो सकते हैं खत्म होंगे फाइन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सिस इन डिटेल कौन कौन से रिसोर्स कुछ रिसोर्सेज के बारे में हम आज पढ़ेंगे सो नंबर वन इज सॉयल The topmost layer of the land surface is called soil. Soil is formed when rock breaks into tiny particles. Remains of dead animals and plants form humus and make the soil fertile. Soil is one of the most valuable natural resource available to us it is used for growing crops soil provides a natural habitat for many living things it is also used as raw material for making bricks which is the basic building material today we can conserve soil by planting more trees हमारी लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर है वही है सॉइल जो हमारी लैंड की ऊपर वाली लेयर है जो सबसे ऊपर है दैट इज़ सॉइल सॉइल कैसे बनती है जब एक बड़ी सी रॉक वो टूट जाती है छोटे 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 हिस्सों में किसी भी नेचुरल प्रोसेसिंग की वजह से या तो वेदरिंग कोई तूफान आ जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह हिलने लगती है टूट जाती है और उस ब्रेकेज की वजह से फिर वो छोटी छोटी पार्ट पार्टिकल्स में तब्दील होती हैं जिससे फिर सोइल बनती है सोइल जो है ये फर्टाइल बनती है ह्यूमस से ह्यूमस क्या है ह्यूमस है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ होती है वो फिर इसी लैंड में डीकंपोज होते हैं डीके होते हैं बहुत टाइम तक जब वो डीकंपोज होते हैं उससे क्या बनता है ह्यूमस यही ह्यूमस इस सोइल को फर्टाइल बनाता है फर्टाइल होता है बिल्कुल आ, नरम जिससे जब फर्टिलिटी क्या होता है कुछ प्रोड्यूस करना जब सॉइल फर्टाइल होती है तो उस जगह पे क्या होता है हमारा हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है जब हम उस सॉइल में क्रॉप्स बोएंगे तो वो क्रॉप्स अच्छे से उग पाते हैं दैट इज़ वही होता है सॉइल फर्टाइल होना सॉइल जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, है ना ये हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए पहले हम देखेंगे जो प्लांट्स हैं वो किस में उगाए जाते हैं सॉइल में और प्लांट्स ही है जो जिन पे हम सब डिपेंडेंट है फॉर फूड अगर सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स हम कहाँ पे ग्रो करते और सब लोग क्या खाना खाते हैं ना तो इम्पोर्टेंस सॉइल की कितनी है क्योंकि प्लांट्स हम इसी में ग्रो करते हैं और प्लांट्स पे ही सब डिपेंडेंट है फॉर फूड सेकेंडली सॉइल नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे लिविंग थिंग्स का या बहुत सारे इंसेक्ट्स का नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे वो अपनी जगह बनाते हैं अपनी रहने की जगह बनाते हैं जैसे कि छोटे मोटे इंसेक्ट्स रहते हैं सॉइल में अर्थ वर्म्स या फिर बाकी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर माइस रहते हैं इसमें वो अपना एक होल बनाते हैं इसी सॉइल में या फिर रेबट्स रहते हैं इसी सॉइल में इसके अलावा हम देखते हैं जो हम हैं हम सॉइल से ही क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं ना वी वी ग्रो क्रॉप्स इन द दॉयल या फ्रूट्स प्लांट्स ट्रीज़ हम इसी में uh, सॉइल में ही प्रोड्यूस करते हैं सॉइल को इसके अलावा यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल के लिए ये एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है रॉ मटेरियल होता है एक ऐसा बेसिक चीज़ जिसके साथ आप कुछ और मिक्स करते हैं एंड कोई प्रोडक्ट निकलता है जैसे कि सॉइल को हम यूज़ करते हैं ब्रिक्स बनाने के लिए सीमेंट बनाने के लिए ठीक है तो ये यही सॉइल है जो हमारे घर बनाने के काम आते हैं बिल्डिंग्स बनाने के काम आती है आ, इसके अलावा सॉइल को हम एज क्ले भी यूज़ करते हैं ना आ, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने में काम आती है सॉइल छोटे मोटे पॉट्स बनाने के काम आती है सो वी सी हाउ हाउ इम्पॉर्टेंट इज सॉइल फॉर अस हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं लाइफ इज़ सो ईजी जब जब हमारे पास सॉइल है तो हमें इस सॉयल को कंजर्व करना है प्रिजर्व करना है वो हम कैसे कर सकते हैं जब हम बहुत सारे ट्रीज़ इसमें प्लांट करेंगे वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स और ट्रीज़ ताकि सॉइल इरोजन ना हो जो प्लांट्स है वो सॉइल को मजबूती से पकड़ते हैं इसीलिए हमें ज़्यादातर प्लांट्स ग्रो करने चाहिए सॉइल इरोजन होता है सॉइल का लूज लूज़ होना यानी कि सॉइल खत्म होने को आती है अगर हम प्लांट्स ट्रीज ग्रो नहीं करेंगे सेकेंड इज एयर तो एयर भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है एयर क्या है मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ज़्यादा अमाउंट किन गैसेस का है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो विंड क्या है फिर देर अ डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड एयर है प्रेजेंस ऑफ गैसेज इन द एटमोसफेयर विंड है मूविंग एयर मूविंग एयर जो मूव होती है जो ब्लो होती है एयर उसको बोलते हैं विंड तो लिविंग थिंग्स यानी कि हम सबको एयर एयर के बग़ैर हम बिल्कुल ज़िंदा रह ही नहीं सकते हैं वी नीड ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए तो वो एटमॉस्फेयर uh, में ही प्रेजेंट है और एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है विंड की वजह से एक और चीज़ होती है वो है विंड मिल्स जो विंड के ब्लो होने से प्रेशर क्रिएट होता है विंड मिल्स के फ़ैंस पे जब वो फैंस मूव होते हैं तो प्रोड्यूस होती है पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल्स यानी कि एक नेचुरल रिसोर्स से आप पावर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं